मित्रों, आज 11 बजे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक बैठक बुलाई गई। उसका एक ही उद्देश्य था कि श्री प्रणब मुखर्जी, जो यूपीए की तरफ से राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी बने हैं, उनको औपचारिक रूप से विदाई दी जाए, उन्हें फेलिसिटेट किया जाए। इसमें कार्य समिति के सभी सदस्य और स्थायी आमंत्रित सदस्य बुलाए गए थे। 36 में से 30 लोग उपस्थित थे, 3 कार्य समिति के सदस्य और 3 स्थायी आमंत्रित सदस्य किन्हीं कारणों से नहीं आए, उनकी पूर्व सूचना मिल गई थी। सबसे पहले कांग्रेस अध्यक्ष ने अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि श्री प्रणब मुखर्जी कार्य समिति के सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं। बहुत खुशी की बात है कि न केवल कांग्रेस ने बल्कि पूरे यूपीए ने सर्वसम्मति से उनको अपना उम्मीदवार बनाया है। यही नहीं, यूपीए के बाहर के जिन दलों ने प्रणब जी को समर्थन दिया है, उनके प्रति भी कांग्रेस अध्यक्ष ने आभार व्यक्त किया। उन्होंने ये भी कहा कि वे अत्यंत योग्य उम्मीदवार थे, अत्यंत योग्य प्रत्याशी थे और उनके इन्हीं गुणों को देखते हुए सब ने बिना हिचक उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। उन्होंने ये आशा व्यक्त की कि वे भारी बहुमत से जीतेंगे और राष्ट्रपति के रूप में देश का गौरव बढ़ाएंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री जी ने अपनी बात कही। उन्होंने भी इससे मिलती जुलती भावनाएं व्यक्त की। उन्होंने ये भी कहा कि प्रणब जी के पास सरकार में बहुत बड़ी जिम्मेदारियां थीं और उनकी कमी हमको अखरेगी, लेकिन साथ ही सबके द्वारा उन्हें उम्मीदवार बनाए जाने पर उन्होंने संतोष और प्रसन्नता व्यक्त की। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने कार्य समिति के दूसरे सदस्यों से अनुरोध किया कि वे अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहें तो करें, और उसमें कुछ लोगों ने अपनी बातें कहीं। श्री ए के एंटनी, श्री मोतीलाल वोरा, श्री एस सी जमीर, श्रीमती मोहसिना किदवई, श्री आर के धवन, इन लोगों ने भी सबने प्रणब जी के गुणों की चर्चा की, उनके योगदान की चर्चा की और अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। सबसे अंत में प्रणब जी ने कुछ बातें कहीं। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा अपने को एक कांग्रेस जन समझा है और मुझे संतोष है कि मैं जो कुछ कर सकता था मैंने पार्टी के लिए किया। अनेक प्रकार की जिम्मेदारियां सरकार में ही नहीं, मुझे संगठन में भी निभाने का मौका मिला। निश्चय ही उन्हें इसका संतोष होगा। वे पार्टी के कुछ समय तक कोषाध्यक्ष भी रहे थे, यहाँ पर जनरल सेक्रेटरी थे,
प्रदेश में पार्टी के अध्यक्ष थे और सरकार में उनके योगदान के बारे में आप सब लोग स्वयं जानते हैं। बड़ी शालीनता के साथ उन्होंने कहा कि इसके बाद भी मैं महसूस करता हूं कि मैंने पार्टी को जो कुछ दिया है उससे ज़्यादा पाया है, पार्टी ने मुझे उससे ज़्यादा दिया है। और इसके लिए उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव जी, सोनिया जी और प्रधानमंत्री सबको धन्यवाद दिया। यहीं बैठक समाप्त हुई और इतनी ही सूचना है। प्रणब जी ने ये भी बताया कि वे 28 तारीख को 28 को अपना नॉमिनेशन फाइल करें। आप एक समय एक सवाल करिए और टिप्पणी अगर आप करेंगे तो मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं प्रश्न का उत्तर देता हूं। मैंने कहा तीन लोग नहीं आए, वे दिल्ली से बाहर थे, उसमें दिग्विजय सिंह हैं, गुलाम नबी आज़ाद हैं और सुशीला तिरिया हैं, तीनों की पहले से खबर। उसके बारे में आप जानते हैं। जितने लोग उपस्थित थे वहाँ सर्वसम्मति थी। देखिए उसकी एक प्रक्रिया है, आरोप पत्र को देखने के बाद इस पर जो भी राय बनेगी उसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी, क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री को भी देखना है क्योंकि उनके मंत्रिमंडल में मंत्री हैं। थैंक यू।